हेलो गाइस, आज हम लोग शीट मेटल वर्क के बारे में अध्ययन करेंगे। शीट मेटल का प्रयोग इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैकेनिकल फील्ड, ऑटोमोबाइल सेक्टर, बड़े बड़े शेड का निर्माण करना हो, सभी जगह शीट मेटल का प्रयोग किया जाता है। आज हम लोग शीट मेटल से संबंधित 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारे टेक्निकल एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शीट के एज को फोल्डिंग करके बनाने की विधि को क्या कहते हैं? शीट मेटल कार्य के दौरान शीट के किनारों को फोल्डिंग करके बनाया जाता है, ताकि शीट के किनारों को मजबूती प्रदान किया जा सके। इस विधि को हेम कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हेम। क्वेश्चन नंबर 2, जाब को 90 डिग्री के कोण पर बनाने के लिए किस नोच का प्रयोग करते हैं? स्ट्रेट नोच, स्क्वायर नोच, वी नोच, वायर नोच। जाब को 90 डिग्री के कोण पर बनाने के लिए वी नोच का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वी नोच। धातु की ओवरलैपिंग से बचने के लिए नोच का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, मैलेट निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है? कास्ट आयरन, ब्रॉस, लैड, कठोर लकड़ी। मैलेट का प्रयोग शीट मेटल कार्य के दौरान स्ट्राइकिंग करने के लिए किया जाता है। यह कठोर लकड़ी से बनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कठोर लकड़ी। क्वेश्चन नंबर 4, कॉपर और ब्रास की सीटें होती हैं हार्ड और डक्टाइल, मैलेबल और डक्टाइल, हार्ड और ब्रिटल, हार्ड और टफ। कॉपर और ब्रास से जो सीटें बनाई जाती हैं वह मैलेबल और डक्टाइल होती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मैलेबल और डक्टाइल। क्वेश्चन नंबर 5, एल्यूमिनियम की सीटों को प्रयोग में लाने का मुख्य कारण क्या है? हल्कापन, भारीपन, डलनेस, चमकीलापन। एल्युमिनियम की सीटों को प्रयोग में लाने का मुख्य कारण है हल्कापन। एल्युमिनियम हल्का होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हल्कापन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस स्टैक से डबल एंडेड आश्रय मिलता है? हैचेट स्टैक, हॉर्स स्टैक, हाफ मून स्टैक, फनल स्टैक। हॉर्स स्टैक इस प्रकार से डिजाइन किया गया है, शीट मेटल कार्य के दौरान इसके दोनों एंड का हम प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हॉर्स स्टैक। क्वेश्चन नंबर 7, वायर नोच कितने डिग्री कोण पर कटे होते हैं? 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। वायर नोच का प्रयोग शीट मेटल कार्य के दौरान किनारों को मजबूती प्रदान करने के लिए वायर नोच का प्रयोग किया जाता है। यह 30 डिग्री पर बना होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, छत निर्माण कार्य के लिए कौन सा सीम उपयोगी होता है? सिंगल सीम, डबल ग्रुप सीम, लैप सीम, डबल सीम। शीट के किनारों को आपस में जोड़ने को सीम कहते हैं। छत निर्माण कार्य के लिए डबल ग्रुप सीम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डबल ग्रुप सीम। क्वेश्चन नंबर 9, शीट में सर्कल या अनियमित कर्व आकारों को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है बेंट स्निप, स्ट्रेट स्निप, फॉर्मिंग मशीन, बेंडिंग मशीन। शीट में सर्कल काटना हो या अनियमित कर्व आकारों को काटना हो, बेंट स्निप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, शीट मेटल कार्य में सीम को बंद या लॉक करने के लिए प्रयोग किया जाता है ब्लो लैम, बाल पेनहैमर, ग्रूवर, स्टैक। शीट मेटल कार्य में सीम को बंद करने के लिए या लॉक करने के लिए ग्रूवर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ग्रूवर। क्वेश्चन नंबर 11, किस स्टैक का प्रयोग धातु की डिस्क पर फ्लेंजों को बनाने के लिए किया जाता है? हॉर्स स्टैक, फनल स्टैक, हाफ मून स्टैक, हैचेट स्टैक। धातु की डिस्क पर फ्लेंजों के निर्माण के लिए हाफ मून स्टैक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर, हाफ मून स्टैक। क्वेश्चन नंबर 12, GI शीट पर किस धातु की परत चढ़ी होती है? टीन, जस्ता, निकल, एल्यूमिनियम। GI शीट पर जस्ता की परत चढ़ी होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जस्ता। GI का पूरा नाम होता है गैल्वनाइज्ड आयरन। क्वेश्चन नंबर 13, शीट के किनारों पर एक माइल्ड स्टील का तार लगा होता है, इसे क्या कहते हैं? सिंगल हेम, डबल हेम, वायर्ड एज, इनमें से कोई नहीं। शीट मेटल कार्य के दौरान किनारों को मजबूती प्रदान करने के लिए वायर्ड एज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, शीट के दो एजों को आपस में जोड़ने को क्या कहते हैं? हेम, सीम,
ज्वाइंट उपरोक्त सभी सीट के दो एजों को आपस में जोड़ने को सीम कहते हैं। कार्य की आवश्यकता के अनुसार अलग अलग प्रकार के सीम प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सीम। क्वेश्चन नंबर 15, किस स्टेक पर ग्रूविंग स्लॉट बने होते हैं? हॉर्स स्टेक, फनल स्टेक, क्रिशिंग आयरन स्टेक, बीक आयरन स्टेक। क्रिशिंग आयरन स्टेक एक ऐसा स्टेक होता है जिसके फेस पर स्लॉट बने होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्रिशिंग आयरन स्टेक। क्वेश्चन नंबर 16, शीट मेटल कार्य उन धातुओं पर किया जाता है जिन्हें बनाया जाता है रोल करके, फोर्ज करके, कास्टिंग करके। उपरोक्त सभी शीट मेटल कार्य उन्हीं धातुओं पर किया जाता है जिन्हें रोल करके बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, उच्च संक्षरण अम्ल टैंकों को बनाने के लिए कौन से सीट का प्रयोग किया जाता है? जीआई सीट, कॉपर सीट, ब्रास सीट, लेड सीट। उच्च संक्षरण अम्ल टैंकों को बनाने के लिए लेड सीट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, शीट मेटल कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले औजार हैं स्टेक, मैलेट, स्निप। उपरोक्त सभी शीट मेटल कार्य के दौरान स्टेक, मैलेट, स्निप सभी का प्रयोग किया जाता है, अतः ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19, 1.2 mm मोटी शीट को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है स्निप, स्टेक, लीवर शियर, ग्रूवर। 1.2 mm मोटी शीट को काटने के लिए स्निप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्निप। क्वेश्चन नंबर 20, शीट मेटल कार्यों में धातु को सभी दिशाओं में फैलाने के लिए प्रयोग किया जाता है स्ट्रेट पेन हैमर, क्रॉस पेन हैमर, बाल पेन हैमर। उपरोक्त सभी शीट मेटल कार्य के दौरान धातु को सभी दिशाओं में फैलाने के लिए बाल पेन हैमर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जल्द मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।